सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में स्क्रीन मैग्निफायर कैसे इनेबल करते हैं। जी हाँ, गूगल डॉक्स का भी अपना एक स्क्रीन मैग्निफायर होता है। गूगल डॉक्स पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, गूगल डॉक्स में अगर आपको स्क्रीन मैग्निफायर इनेबल करना है तो हमको जाना है यहाँ पर टूल ऑप्शन में। टूल टैब आपको यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको जाना है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में। ये रहा एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो छोटा सा एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये रहा टर्न ऑन स्क्रीन मैग्निफायर सपोर्ट। अभी वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से कीवर्ड से मतलब ये स्क्रीन मैग्निफाई होगी, ठीक है। तो हमने इस पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन मैग्निफायर है वो इनेबल हो गया। अब अगर हमें स्क्रीन को मैग्निफाई करना है तो हमें कंट्रोल के साथ प्लस दबाना होगा कीबोर्ड में। तो देखिए, जब हम कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे तो देखिए स्क्रीन मैग्निफाई होती जा रही, लगातार होती जाएगी। जितनी बार आप प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन लगातार मैग्निफाई हो रही है। अगर हमको वापस जाना है तो कंट्रोल के साथ माइनस करना है, ठीक है, तो ये देखिए स्क्रीन जूम आउट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप भूल गए हैं कि आपकी डिफॉल्ट सेटिंग क्या थी, तो कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस कर दीजिए और ये अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पे पहुंच जाएगा।